अब ये एक ऐसा हार्श ट्रुथ है जो शायद ही मैंने किसी यूट्यूबर को अपनी ऑडियंस से इतना साफ तरीके से कहते हुए सुना है। मूवीज में हीरो को देख के या रियल लाइफ में उस 100 में से एक लड़के को देख के हर लड़के का मन करता है कि लाइफ में मैं एक बार तो बाल लंबे जरूर करूंगा। और अगर आप भी उनमें से एक है तो स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. मेरा नाम मोहित है और मैं इस चैनल पर मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। और आज की वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वैसे तो बड़े बाल दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, पर उन बड़े बालों तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टेज से गुजरना पड़ता है जिसको हम ऑकवर्ड स्टेज कहते हैं। और उस ऑकवर्ड स्टेज में हम लोग बहुत गलतियां कमिट करते हैं, जो मैंने भी करी। पर मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा कोई भाई अब बाल बढ़ाना शुरू कर रहा है तो वो कमिट करे। ओके, तो चलते हैं हम अपने आज के पहले पॉइंट पे, जो कि है हार्ड टू मैनेज इन ऑकवर्ड स्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले अगर आप बाल बड़े करने की सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली ऑकवर्ड स्टेज से गो थ्रू करना पड़ेगा। अब आप इसके ऊपर दिन में 10 वीडियो, 50 वीडियो, 100 वीडियो देख सकते हो, पर इसकी अंडरलाइन यही रहेगी कि ये वो जर्नी है जो आपको अपने साथ खुद कवर करनी है। ये स्टेज डिफिकल्ट इसलिए होती है क्योंकि आप एक बीच के फेज में फंसे होते हो। इधर या तो आप अपने गोल्स से, जो आप अपना लुक अचीव करना चाहते हो, उसके साथ स्टिक करते हो और अपने बाल नहीं कटवाते, या फिर आप हार मान के अपने बाल कटवा लेते हो। अगर आपके पास इतनी विल पावर है कि आप थोड़े टाइम बुरा दिख के अपने लॉन्ग रन बेटरमेंट के लिए बालों को ग्रो आउट कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू शुड ग्रो आउट योर हेयर। पर अगर आपके पास वो विल पावर नहीं है तो कोई बात नहीं ना यार, मत बढ़ाओ बाल। बाय द वे, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा यूजर नेम है मोहित, मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। अगर आपको हेयर ग्रोथ जर्नी से कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेक श्योर यू डीएम मी ओवर देयर। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है नॉट फॉर एवरीवन। अब ये एक ऐसा हार्श ट्रुथ है जो शायद ही मैंने किसी यूट्यूबर को अपनी ऑडियंस से इतना साफ तरीके से कहते हुए सुना है। हमारी जो नॉर्मल लेंथ हेयर स्टाइल्स भी होती हैं, वो सबके ऊपर सारी हेयर स्टाइल सूट नहीं करती। ठीक उसी तरह लॉन्ग हेयर स्टाइल सबके ऊपर सूट नहीं करती। तो अगर आप बाल बढ़ाने की सोच रहे हो जस्ट बिकॉज आपने किसी फेवरेट एक्टर को देख लिया या किसी फेवरेट यूट्यूबर को देख लिया है मेरे अलावा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। हम सबके जीन्स अलग अलग हैं, इसलिए मेरे बाल ग्रो आउट होने के बाद जैसे दिखते हैं वैसे शायद आपके बाल उस तरीके से ना दिख पाएं, जस्ट बिकॉज हमारे हेयर का टेक्सचर, हमारे हेयर की लेंथ और हमारे हेयर की क्वालिटी सब अलग अलग है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बाल बढ़ाने चाहिए या नहीं चाहिए? इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपके बाल वेवी टेक्सचर के हैं, जिसको आसान शब्दों में बोला जाए तो लहराते हुए बाल हैं, तो आपके ऊपर लंबे बाल सूट करेंगे। पर अगर आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं तो शायद आपके ऊपर वो लुक सूट ना करे। एट द सेम टाइम अगर आपके बाल कर्ली कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो एक ही बाल एक ही जगह पे 3-4 बार घूम जाते हैं, तो आपके लिए लंबे बाल नहीं है। अगर आपने करा लिया तो आप बिल्कुल लसित मलिंगा जैसे दिखने वाले हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके बाल किस कैटेगरी में आते हैं। और इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हार्डली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बाल इन दो एक्सट्रीम कैटेगरीज में आते हैं, या तो बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल कर्ली। ज़्यादातर लड़कों के बाल बेबी कैटेगरी में ही आते हैं। ओके, तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। अब मैं सारी चीज़ें दिल से ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों में इस चीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी था। अब आप जब बाल लंबे कर रहे हो तो आपको अपने बालों में पैसा और टाइम दोनों ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल हेयर लेंथ साइज। अब हम पर्टिकुलरली बात करें टाइम की, तो आपको डेली कॉम्बिंग, रेगुलर हेयर ऑयलिंग और ऑकवर्ड स्टेज में अपने बालों को डिफरेंट तरीके से पिनअप करने में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, अब ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर इस बात का सच यही है कि आप जितने ऑथेंटिक और जितने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, आपकी हेयर क्वालिटी उतनी बेटर होती जाएगी। अब इन सब चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक सा इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। आपको एक सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पू चाहिए, उसी के साथ एक अच्छा कंडीशनर चाहिए। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी के घर में एक एलोवेरा का प्लांट तो होगा ही, अगर नहीं है तो आप एक अच्छे एलोवेरा के प्लांट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसको आप अलग अलग हेयर मास्क में एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज की वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो वो अनाउंसमेंट ये है कि आज से मैं अपनी वीडियो में एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। मैं अपने अलावा और लड़कों की हेयर ग्रोथ जर्नी को भी रिव्यू करूँगा, और उनमें से आप लोग भी हो सकते हो। अगर आपको अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को रिव्यू करवाना है मेरी यूट्यूब वीडियोज़ में, तो आप मुझे पहले की और आफ्टर की अपनी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अब ये करने का मेन वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी के साथ साथ हमारी कम्युनिटी के और मेंबर्स की हेयर ग्रोथ जर्नी से भी इंस्पायर हो। तो जाओ मुझे अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो,
और अपनी फोटोज भेजो ताकि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी को रिव्यू कर सकूं। ओके, चलो हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो कि है इरिटेटिंग जर्नी। अब ये इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन है। जब भी आप अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी पे होते हो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होता है और ये नेचुरल है। आपने अपनी पूरी लाइफ नॉर्मल लेंथ हेयर रखे हैं और सडनली आप लोग डिसाइड करते हो कि आपको हेयर ग्रो आउट करने, तो आपको अपने सर पे वो भारीपन लगेगा, आपको अपने बालों में गर्मी लगेगी और ये सारी चीज़ें मिलकर इरिटेशन करते हैं। ये चीज़ नॉर्मल है। जब मैंने बाल लंबे किए थे तब मुझे भी आदत नहीं थी, धीरे धीरे मैं इस प्रैक्टिस में आया और ये चीज़ आपको भी एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर अगर आपने अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।